महाराष्ट्र में सरकार बनने को लेकर मचा घमासान एक महीने बाद भी नहीं थमा है। अब भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजीत पवार की शपथ के बाद तो लड़ाई ने और भी रौद्र रूप ले लिया है। एक तरफ शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं भाजपा ने भी कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड का हवाला दिया है। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है, जिसके बाद या तो सुप्रीम कोर्ट सदन में वोटिंग करा सकता है या राज्यपाल के फैसले को ही संवैधानिक ठहराकर भाजपा और एनसीपी को 30 तारीख तक का वक्त दे सकता है। आने वाला वक्त बताएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति का यह ऊंट किस करवट बैठता है। ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।